Okay. कमल का फूल हमारी भूल का साफ मतलब है कि जिसने भी कार्ड छपवाया है वो बीजेपी का विरोध कर रहा है, लेकिन विरोध इससे पहले कमल का फूल हमारी भूल की चर्चा गुजरात चुनाव से पहले हुई थी, जब जीएसटी के विरोध में सूरत के व्यापारियों ने अपनी बिल बुक पर कमल का फूल हमारी भूल का नारा विरोध जताने के लिए व्यापारियों का बिल पर कोई नारा छपवाना तो समझ में आता है, लेकिन यही नारा कोई शादी के कार्ड पर भला क्यों छपवाएगा, ये समझना थोड़ा मुश्किल है। क्या सच में मध्य प्रदेश के सागर में होने वाली शादी में वरवध हमारी भूल लिखवाया है? कहीं मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इस शादी के कार्ड का वायरल होना कोई राजनीतिक साजिश तो नहीं? शादी के कार्ड पर भूल वाले शादी के कार्ड का सच जानने के लिए वायरल सच ने अपनी पड़ताल शुरू की। बीजेपी का विरोध करते हुए 7 फेरे लेने का दावा किया जा रहा था, ये पता मध्य प्रदेश के सागर जिले का था, इसलिए हम कार्ड में लिखे हुए पते पर सीधे पहुंच गए। शादी के कार्ड पर बीजेपी विरोध का नारा क्यों लिखवाया गया, इस सवाल के जवाब के लिए हम सागर के देवरी में यहाँ पहुँच कर पता चला कि वायर हो चुका शादी का कार्ड अनुराग जैन की बहन की शादी का कार्ड है, यानी ये साफ था कि घर में शादी होने वाली है और कार्ड इसी घर का है, लेकिन कार्ड पर कमल का फूल हमारी भूल क्यों छपवाया गया, इस सवाल का जवाब जानना बाकी था। जवाब अनुराग जैन ने दिया, उन्होंने हमें बताया कि अपनी बहन की शादी के कार्ड पर उन्होंने बीजेपी के विरोध का ये नारा क्यों छपवाया है। मध्य प्रदेश शासन ने हम लोग का 8 साल तक शोषण किया गया, उसके बाद जून 2017 में एक लेटर दिया जाता है कि आपको सेवा से अलग किया गया है। एक और मध्य प्रदेश शासन युवाओं के रोजगार के लिए कह रहा है कि हम युवाओं को रोजगार दे रहे हैं और दूसरी ओर लगे हुए युवाओं को रोजगार से हटा रहे हैं। पड़ताल में पता चला कि अनुराग 2010 से मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में नौकरी कर रहे थे, लेकिन अचानक जून 2017 में एक चिट्ठी पकड़ाकर उन्हें और उनके जैसे 473 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। मेरे पास ये सब मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिया गया हमें उपहार है, तो इसलिए मैंने अपने कार्ड पर लिखवाया है।